हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय गुप्ता। वेलकम बैक ऑन संजय गुप्ता टेक स्कूल। तो आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। तो इस वीडियो सीरीज का ये जो लेक्चर है, ये है लेक्चर नंबर 10। और इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है लूप्स। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि हमने स्विच स्टेटमेंट डिस्कस की और मैंने उसका एक एग्जाम्पल आपको बताया था। और इस लेक्चर में हम लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले लूप के टाइप्स जानेंगे कौन कौन से होते हैं, और फिर इस वीडियो में मैं एक लूप के बारे में आपको बताऊंगा जो कि फॉर लूप है, और उससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स के पास इस वीडियो सीरीज का लिंक नहीं है तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसमें जितने भी वीडियोज इस वीडियो सीरीज के पार्ट हैं वो आपको एक साथ एक ही सीक्वेंस में अरेंज्ड मिल जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लूप डिस्कस करना। सो बेसिकली लूप होता क्या है पहले वो देखते हैं। तो इसमें जो देखो पहला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो बोल रहा है लूप्स आर यूज्ड टू रिपीट वन और मोर देन वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एन टाइम। ठीक है, तो अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे सी प्रोग्राम के अंदर हमें लिखना है अपना नाम स्क्रीन पर, तो आप क्या यूज करते हैं, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ एक बार लिखोगे तो एक बार नाम प्रिंट होगा। अगर उसी प्रिंट एफ को हम कॉपी करके बहुत बार रिपीट कर दे तो आपका नाम एक से ज्यादा बार प्रिंट होने लग जाएगा। बट अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अपना नाम 10 टाइम प्रिंट करना है तो आप प्रिंट एफ को 10 टाइम कॉपी करेंगे, 100 टाइम के लिए 100 टाइम कॉपी करेंगे, तो 100-200 तक ये आपको इजी लगेगा। बट जैसे ही बोला 1,000, 50,000, 1,00,000, तो उस केस में क्या होगा कि आप कॉपी पेस्ट करने में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो है लूप, कि जब हमें एक ही टाइप के स्टेटमेंट को एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करना है तो उसको बार बार क्यों लिखे, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि जो उसको ऑटोमेटिकली रिपीट कर दे। ठीक है, तो आपने देखा होगा छोटी क्लासेस के अंदर हमको टीचर्स एक लाइन लिख कर देते थे और उसको बोलते थे कि पूरे पेज पर लिख कर लाना। ठीक है, तो उस टाइम तो लूप था नहीं, ना प्रोग्रामिंग हम जानते थे, तो हम उसको बार बार लिखते थे। बट अब लूप पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि काश उस टाइम मुझे लूप आता तो मैं उस स्टेटमेंट को एक बार लूप के अंदर लिखता और टीचर को बोलता कि अब ये लूप अपने हाथ उसको रिपीट करके और उतनी बार प्रिंट कर देगा। तो वो चीज अब आप सी प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो बेसिकली लूप इंप्लीमेंट करने के लिए तीन कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो तीनों आपके सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन, सेकेंड इज टर्मिनेशन कंडीशन, एंड थर्ड वन इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ द लूप, टर्मिनेशन कंडीशन है एंडिंग ऑफ द लूप, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो कि बिगनिंग से और टर्मिनेशन कंडीशन तक आपको लेकर जाएगा। ठीक है, तो अब ये कैसे इंप्लीमेंट होता है, कैसे इनको लूप के अंदर लिखते हैं वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि जब हमें कॉमन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करना है तो हम लूप यूज करेंगे, और लूप यूज करने के लिए इन तीन पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास कौन कौन से लूप अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम स्टेटमेंट्स को रिपीट कर सकते हैं। तो आपके पास तीन तरह के लूप हैं, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। और इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ एक लूप को फोकस करने वाले हैं, फॉर लूप। तो आगे आने वाले जो लेक्चर होंगे 11, 12, 13, उसमें आपको व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप कैसे काम करते हैं, कैसे उनसे रिलेटेड प्रोग्राम हम बना सकते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अब देखो ये है फॉर लूप का सिंटेक्स। तो सिंटेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि सिंटेक्स आपको बताता है कि कोई भी फीचर आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसको लिखने का जो तरीका है वो पहले से डिसाइडेड होता है। तो ये फॉर लूप का सिंटेक्स है। फॉर एक कीवर्ड होता है जिसको स्मॉल लेटर में ही लिखना है। देन अभी मैंने आपको तीन पार्ट्स बताए थे, ये पहला पार्ट इनिशियलाइजेशन, उसके बाद यूज किया है सेमीकॉलन, देन टर्मिनेशन कंडीशन, फिर से सेमीकॉलन, और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, तो इन तीनों को एक ही सीक्वेंस में लिखना है अगर आप फॉर लूप यूज कर रहे हैं तो, और अगर आप एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को रिपीट करवाना चाहते हैं तो वो फॉर लूप के अंदर आएंगे। तो अगर एक स्टेटमेंट है तो ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं ये ऑप्शनल हो जाते हैं, और अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो आपको इनको यूज करना जरूरी है। तो जैसा नीचे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि प्रिंट एफ एक ही स्टेटमेंट है तो मैंने कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं किए हैं, बट अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट होते तो मुझे कर्ली ब्रेसेस यूज करने पड़ते। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसी एग्जाम्पल को मैं आपको रन करके बताऊंगा। तो पहले अपन फ्लो देखते हैं।
तो जैसा कि मैंने स्लाइड में आपको बताया था, अगर हम फॉर लूप पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, सिंटेक्स एंड लूपिंग प्रोसेस थ्रू प्रिंटिंग नेम, तो वो अपन देख रहे हैं। तो अब देखो फॉर लूप के सिंटेक्स को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहला स्टेप होगा इनिशियलाइजेशन, उसके बाद अपन जाएंगे इंक्रीमेंट, सॉरी उसके बाद हम जाएंगे कंडीशन पर। तो कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो आप ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसको एग्जीक्यूट करोगे। ठीक, तो ये हो गया अपना थर्ड स्टेप। स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन करने के बाद हम कहां पर आएंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर। ये हो गया अपना फोर्थ स्टेप। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के बाद आप वापस से इनिशियलाइजेशन पर नहीं जाएंगे, इंस्टेड आप कहां पर आ जाएंगे, टर्मिनेशन कंडीशन पर। तो इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही बार होगा, क्योंकि अगर बार बार इनिशियलाइजेशन ही करते रहोगे तो आपका लूप कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा। तो अब उसको, ये जो सिंटेक्स का मैंने प्रोसेस बताया था उसको इस एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आई वन से इनिशियलाइज होगा, फिर कंडीशन चेक होगा कि आई लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है यानी, तो कंडीशन अभी ट्रू है, 1 5 से छोटा होता है। कंडीशन ट्रू है इट मींस ये जो प्रिंट एफ लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। तो प्रिंट एफ क्या करेगा, मेरा नाम एक बार स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएगा। फिर हम जाएंगे आई प्लस प्लस, तो अब ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो मैंने ऑपरेटर वाले चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया था, तो जिन्होंने वो नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऑलरेडी बता दिया कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है पहले नंबर पर। उस लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोस ऑटोमेटिकली सीरीज में अवेलेबल होंगे, तो उसमें ऑपरेटर वाला वीडियो देखेंगे तो आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट समझ में आएगा। तो बेसिकली आई प्लस प्लस क्या करेगा, अपनी वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा। तो अब आई की करंट वैल्यू क्या है, 1, आई प्लस प्लस मतलब आई कितना हो जाएगा, 2। तो जब आई 2 हो जाएगा तब आप खुद सोचो कि क्या हम वापस इनिशियलाइजेशन पर जाएं कि आई को 1 कर दें, नहीं, क्योंकि 1 करेंगे फिर वो 2 होगा, फिर अगली बार फिर 1 हो जाएगा, तो ये सब कुछ गलत हो जाएगा। तो आई प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने के बाद आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो वो वापस यहां से कहां जाएगा, कंडीशन चेकिंग पर। तो अब ये एक तरीके से लूप बन गया, तो कंडीशन चेक होगा, फिर नाम प्रिंट होगा, नाम प्रिंट होने के बाद वापस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो ये एक लूप का साइकिल बन गया। तो जब आई 2 था तो कंडीशन ट्रू है, प्रिंट एफ अपना नाम प्रिंट करेगा, फिर आई प्लस प्लस होकर 3 हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर से नाम प्रिंट होगा, फिर आई 4 हो जाएगा, 4 भी 5 से छोटा है, फिर से नाम प्रिंट होगा, फिर आई प्लस प्लस होगा, 5 हो जाएगा, 5 के इक्वल है, फिर से ट्रू, 5वीं बार नाम प्रिंट होगा, फिर आई 6 होगा, तब जाके कंडीशन फॉल्स होगी। तो लूप कितनी बार रिपीट हुआ, 5 बार, तो प्रिंट एफ ऑटोमेटिकली 5 बार मेरा नाम स्क्रीन पर प्रिंट करा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसको प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करके बताओ ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। तो अब चलते हैं अपने डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर पर, या जो भी कंपाइलर आप यूज कर रहे हैं वो आप ओपन करके इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी मैं कमेंट लिखा हूं, प्रोसेस ऑफ फॉर लूप। तो हम क्या समझ रहे हैं कि फॉर लूप बेसिकली इंप्लीमेंट कैसे होता है, तो अब इसमें मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई, फिर मैंने लिखा फॉर लूप आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस, ठीक है, और मैंने लिखा प्रिंट एफ बैक स्लैश एन और मेरा नाम। बैक स्लैश एन का यूज अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने बहुत बार प्रिंट एफ यूज किया हुआ है। तो अगर बैक स्लैश एन हटा देंगे तो जितनी भी बार नाम प्रिंट होगा वो सब एक ही लाइन में प्रिंट होता चला जाएगा। हम चाहते हैं कि नाम अलग अलग लाइन में प्रिंट हो, इसलिए हम प्रिंट एफ के पहले बैक स्लैश एन यूज कर रहे हैं। तो अब इसको मैं सेव करूंगा, तो मैंने नाम दिया test.c, इसको कंपाइल और रन करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देखेंगे मेरा नाम 5 बार प्रिंट हुआ। ठीक है, अब देखो कितना इजी प्रोसेस है। आप बोलोगे कि अपना नाम 15 टाइम प्रिंट करके बताओ, तो मैंने इसको 15 टाइम इटरेट कर दिया, और जब मैं इसको कंपाइल और रन करूंगा तो आप काउंट कर सकते हैं मेरा नाम 15 टाइम प्रिंट हो गया। तो कितना इजी है। तो अब अगर आपको कोई टीचर बोलता है कि भाई ये एक लाइन लिखी हुई है और आपको इतनी बार लिखना है, तो आप सिंपली एक लूप लिखकर उसको बोल दीजिए कि ये लूप अपने आप इसको इतनी बार प्रिंट करा देगा। बट आप ऑलरेडी बड़ी क्लासेस में आ चुके हैं तो ऐसी चीजें आपसे करवाई नहीं जाएंगी, बट इन फ्यूचर जब आप और बड़े हो जाओगे, आपके बच्चे होंगे और वो आपको आपके बच्चों को असाइनमेंट देंगे, तो आप वहां पर एक कमेंट करके
लूप लिख सकते हैं, क्योंकि तब तक प्रोग्रामिंग और एडवांस लेवल पे पहुंच चुकी होगी। तो आजकल तो फिफ्थ सिक्स क्लास के बच्चे भी प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो इसलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्रोग्रामिंग से जो काम है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमें उसको एक बार इम्प्लीमेंट करना है और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता रहता है। तो अब जैसे इसको 100 टाइम रन करना है 100 लिखो, 1000 टाइम करना है 1000, 10000 टाइम करना है 10000। तो ये जो टर्मिनेशन कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा लूप इसी पे डिपेंड करेगा। जब तक ये ट्रू है लूप चलता रहेगा, फॉल्स होते ही लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 10 करते हैं। अब बात करते हैं कर्ली ब्रेस की। तो ये मैंने लगाया कर्ली ब्रेस, अभी अपने पास एक ही स्टेटमेंट है, तो मैंने आपको बताया ये ऑप्शनल होता है, अगर यूज कर भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है, जैसे अब मैं एक और लाइन इसके नीचे लिख देता हूं, अब दो स्टेटमेंट हो गए, ठीक है। तो अब देखो पहले कर्ली ब्रेसेस यूज करके देखते हैं क्या होता है। देखो मेरा नाम प्रिंट हुआ और फिर सी प्रोग्रामिंग वीडियो सीरीज, दोनों चीजें 10 टाइम एक के बाद एक प्रिंट हो गए, ठीक है। अब अगर कर्ली ब्रेस हटा दें तो क्या होगा, तो अब कर्ली ब्रेस हटा देंगे तो क्या होगा, फॉर लूप के साथ सिर्फ ये पहली लाइन ही रिपीट होगी, दूसरी लाइन फॉर लूप का पार्ट नहीं है, क्योंकि हमने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं। तो अब मेरा नाम पहले 10 टाइम प्रिंट होगा और फिर एक बार सी प्रोग्रामिंग वीडियो सीरीज प्रिंट हो जाएगा। ये देखो मेरा नाम 10 टाइम प्रिंट हुआ और सी प्रोग्रामिंग वीडियो सीरीज सिर्फ एक बार प्रिंट हुआ। तब इस तरीके से आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज समझ में आ गया होगा कि अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेस लगाना बेनिफिशियल है, एक है तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते। तो आई होप कि अब आपको फॉर लूप कैसे काम करता है या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट कराना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई रियल लाइफ एग्जांपल बताओ, मतलब कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो कि हम लूप के थ्रू सॉल्व करें, तो अब आगे अपन वही डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो चार प्रोग्राम्स के टाइटल यहाँ लिखे हुए हैं, सबसे पहले हमें प्रिंट करने हैं नेचुरल नंबर्स, फिर इवन ऑड नंबर्स, फिर टेबल ऑफ अ नंबर, फिर ये सीरीज हम प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले उठाते हैं ये नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं 1 से लेकर n तक। तो अब इसमें यूजर से इनपुट भी करवाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अपने पास हो जाएंगे दो वेरिएबल, ऊपर कमेंट के अंदर टाइटल चेंज कर देते हैं, तो टाइटल हो जाएगा प्रिंट नेचुरल नंबर्स अप टू n। तो जो n की वैल्यू होगी वहां तक लूप चलाना है और जो भी नेचुरल नंबर है वो प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ n, उसको स्कैन किया स्कैनफ के थ्रू। तो स्कैनफ में अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो एक नंबर है इसलिए एक बार % वैल्यू n में चला जाएगा। अब हमें तीन चीजें डिसाइड करनी है कि लूप की बिगनिंग कहां से होगी, लूप की एंडिंग कहां पर होगी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितने का होगा। तो लूप की बिगनिंग कहां से करें, 1 से, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। कंडीशन हो जाएगा आई लेस देन इक्वल्स टू एन, तो पिछले एग्जाम्पल में 10 था, 50 था, 5000, 1000, कुछ भी लिया जितनी बार लूप चलाना है। बट अभी लूप डिपेंड करेगा यूजर के इनपुट पर कि n की जो वैल्यू है वहां तक नेचुरल नंबर प्रिंट होना है। तो जो कंडीशन है उसमें मैंने क्या लिखा, आई लेस देन इक्वल्स टू एन, और फिर लिखा आई प्लस प्लस, और अब हमें नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है। तो मैं नाम तो प्रिंट नहीं कर सकता बट मैं वेरिएबल यूज करूंगा आई, तो i की फर्स्ट टाइम वैल्यू होगी 1, तो 1 प्रिंट होगा, फिर i प्लस प्लस होके 2 हो जाएगा तो 2 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से लूप में जो वेरिएबल आपने यूज किया है कंडीशन चेकिंग के लिए उसको भी आप प्रिंट करवा सकते हो। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। तो अब इसको कंपाइल और रन करते हैं जिससे आप देख पाए, जैसे मैंने लिखा 10, तो आप देखोगे 10 तक नेचुरल नंबर्स आ गए, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 10। अगर फिर से रन करते हैं और आप कोई और वैल्यू एंटर कराते हो, लेट सपोज 20, तो 20 तक नेचुरल नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यूजर से इनपुट करवाकर लूप को कंट्रोल किया, लूप की जो कंडीशन है वो यूजर बता रहा है कि लूप कितनी बार चलना चाहिए और उतने नेचुरल नंबर्स ऑटोमेटिकली आपके प्रिंट हो। तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कि कोई भी काम अब ऑटोमेटिकली आपको एक से ज्यादा बार करना है तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली फॉर लूप इंप्लीमेंट करके भी उसको सॉल्व कर सकते, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे प्रिंट इवन और ऑड नंबर्स। तो अभी हमने नेचुरल नंबर प्रिंट कराया 1, 2, 3, 4, 5, अब यूजर चाहता है कि उसको एन तक जो भी ऑड नंबर्स है वो ही दिखे,
इवन नंबर्स दिखे ही ना, या फिर इवन नंबर दिखे और ऑड नंबर ना दिखे। तो पहले अपन इवन पहले ऑड नंबर प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ऑड नंबर्स अप टू एन। तब देखो इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ऑड नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। तो अब इस प्रोग्राम को दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो ये हम i इक्वल्स टू i प्लस टू कर दें यहाँ पर। तो अब देखो i वन से स्टार्ट हुआ इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन चेक होगा, अगर ये ट्रू है तो i प्रिंट हो गया मतलब वन। फिर जब हम इस इंक्रीमेंट पार्ट पर जाएंगे तो अब जरूरी नहीं है यहाँ पर हमेशा i प्लस प्लस या i माइनस माइनस लिखो, हमने लिखा है i इक्वल्स टू i प्लस टू, तो i की करंट वैल्यू क्या है वन, वन प्लस टू कितना होता है थ्री, तो i की अब नई वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री। तो थ्री अब यहाँ पर कंडीशन चेकिंग का पार्ट बनेगा, अगर ट्रू है तो थ्री प्रिंट हो जाएगा, फिर अगली बार थ्री प्लस टू आई में जाएगा फाइव, तो फाइव के अकॉर्डिंग कंडीशन चेक होगी। तो इस तरीके से जितने भी ऑड नंबर्स है वो प्रिंट हो जाएंगे। तो ये इसका पहला तरीका है। तो अब जैसे मैंने डाला ट्वेंटी, तो आप देख सकते हो जितने भी ऑड नंबर है वो ही प्रिंट हो रहे हैं, वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन और नाइनटीन। ठीक, अब आप कहोगे कि कोई दूसरा तरीका बताओ कि जिसके थ्रू हम ऑड नंबर्स को प्रिंट करा दें। तो उसके लिए यहां पर मैं आई प्लस प्लस ही लिखूंगा। अब मैं लगा रहा हूं कर्ली ब्रेस, ठीक है, और मैं यहां लिख रहा हूं इफ आई मॉड्यूलस टू डबल इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल्स टू जीरो, और यहां लिखा प्रिंट एफ आई। तो अब इसको ध्यान से देखो, अब लूप i++ के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, मतलब i1 होगा फिर 2 होगा फिर 3 होगा फिर 4 होगा एंड अप टू n तक चलेगा। हमने यहाँ इफ लगाया, अब आपको इस एग्जांपल से ये समझ में आएगा कि जो इफ एल्स हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कैसे यूज करते हैं, अब हम उसको लूप के अंदर यूज करेंगे कंडीशन चेकिंग के लिए। तो आप इफ एल्स को फॉर लूप के अंदर भी यूज कर सकते हो। तो i की वैल्यू 1 होगी, 1 मॉडुलस 2 नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर i 1 2 3 4 5 कुछ भी होता है उसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर रिमाइंडर 0 की इक्वल नहीं आता है इट मींस वो नंबर ऑड ही होगा। सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स ही 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो जब जब ये कंडीशन ट्रू है तब तब i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज नहीं। तो अब इसको सेव किया, कंपाइल और रन करते हैं। तो आप देख सकते हो 1 3 5 7 9 ही प्रिंट हुआ, मतलब ऑड नंबर ही प्रिंट हुआ। तो ये दूसरा तरीका था, बट पिछले एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर लूप एन टाइम चल रहा है, पिछले एग्जाम्पल में लूप एन बाई टू टाइम चला क्योंकि वहां पर हमने टू टू से स्किप किया लूप को। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि आप जितने कम रोटेशन लूप के एग्जीक्यूट करेंगे उतना ही एफिशिएंट आपका प्रोग्राम। तो इस अगर ऑड नंबर प्रिंटिंग की बात करें तो पिछला जो एग्जाम्पल था फॉर लूप जिसमें मैंने आई equals to i plus 2 लिखा था वो ज्यादा efficient है as compared to this। ठीक है, but output दोनों के through आएगा, तो exam में तो आप जो भी लिखेंगे वो सही माना जाएगा, कोई problem। अब बात करते हैं even number की, तो पहले इसी को modify कर लेते हैं। अगर i 2 से divisible हो जाएगा it means number even है, तो इसको save किया और इसको run करा देते हैं। 20 enter किया तो आप देख सकते हो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 सारे even numbers print हो रहे हैं। और अगर ये लाइन रिमूव कर दें और यहाँ लिखते हैं i इक्वल्स टू i प्लस टू और लूप को टू से स्टार्ट करें, आप जीरो से भी स्टार्ट करवा सकते हो, तो हमने 20 लिखा। तो आप देख सकते हो अभी भी जितने भी इवन नंबर्स हैं सिर्फ वही प्रिंट हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ऑड नंबर्स भी प्रिंट कराए, इवन नंबर भी प्रिंट कराए, और दोनों को प्रिंट करने के दो डिफरेंट मेथड्स मैंने आपको बताए, जो आपको सही लगता है आप यूज कर सकते हैं। तो इससे एक चीज और क्लियर हुई कि एक तो हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितने भी डिजिट का कर सकते हैं, जरूरी नहीं है i++ ही लिखें, आप कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज करवा सकते हो। और दूसरा हमने देखा कि फॉर लूप में हम इफ एल्स को भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर। तो ये भी आपको पुरानी क्लासेस की याद दिलाएगा जब आप छोटे हुआ करते थे, या हम बात करें क्योंकि जब हम फर्स्ट सेकेंड क्लास में पढ़ते हैं तो हमें टेबल लिखना सिखाया जाता है कि 5 का टेबल लिखो, 6 का टेबल लिखो, 10 का टेबल लिखो, तो हमें हर डिजिट का टेबल अलग अलग लिखना पड़ता था। अब प्रोग्रामिंग ऐसी पावर आपको प्रोवाइड करेगा कि आप तो यूजर से नंबर इनपुट करवाओगे और उसका टेबल ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो सबसे पहले टाइटल प्रिंट करते हैं,
प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर। तो ये कमेंट है इसलिए सिर्फ आपको विजिबल है, एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं होगा। तो एंटर वैल्यू ऑफ एन या एंटर द नंबर हूज टेबल यू वांट टू प्रिंट, तो मैसेज कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब इन चीजों को रिमूव करते हैं। अब अपन को फॉर लूप बनाना है, तो सबसे पहले ये सोचो कि फॉर लूप कितनी बार रिपीट होगा। अगर किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करना है तो आप बोलेंगे कि किसी भी नंबर के टेबल में 10 डिजिट्स होते हैं, 2 का टेबल 10 डिजिट्स, 5 का टेबल 10 डिजिट्स, 10 का टेबल 10 डिजिट्स, तो हर नंबर के टेबल में 10 डिजिट्स ही होते हैं। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि लूप अपना 10 टाइम चलेगा। ठीक, तो पहले वो चीज लिख देते हैं, लूप को चला देते हैं 10 टाइम। ठीक है, लूप 10 टाइम चल रहा है, हमें अपना जो टेबल है वो प्रिंट कराना है। तो अब एग्जांपल के लिए नीचे देखते हैं, देखो अगर n है 5, अगर n है 5 तो 5 का टेबल क्या होता है, 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3, 5 × 4, मतलब हमें जो भी नंबर हमने इनपुट कराया उसको 1, 2, 3, 4, 5 से मल्टीप्लाई करना है हर बार। और 1, 2, 3, 4, 5 हमें किससे मिलेगा, i से, क्योंकि i पहले 1 है, फिर प्लस प्लस ऊपर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। तो अब मैं अगर यहां पर एक प्रिंट एफ लिख देता हूं, n इंटू आई, मैंने ये प्रिंट एफ लिखा, तो अब ये प्रिंट एफ क्या कर रहा है, यूजर से, सॉरी ये जो स्कैन एफ है ये यूजर से एक नंबर रीड करवाएगा। तो फॉर एग्जांपल नंबर लिया 5, अब अपना लूप चलेगा, पहली बार i की वैल्यू 1 है तो यहाँ क्या होगा, 5 × 1, 5 प्रिंट हुआ, फिर i प्लस प्लस हुआ, i हो जाएगा 2, कंडीशन चेक करोगे, कंडीशन ट्रू है तो 5 × 2 मतलब 10 प्रिंट होगा, फिर i प्लस प्लस होकर 3 हो जाएगा, 5 × 3। तो इस लूप की अगर बात करें तो लूप के अंदर हम n को कहीं भी चेंज नहीं कर रहे हैं, हम i की वैल्यू को हर बार 1 से इंक्रीज कर रहे हैं, तो n हर बार i से मल्टीप्लाई होगा और आपकी टेबल आपके सामने प्रिंटेड होगी। तो इसको सेव किया और मैं एंटर कर रहा हूँ 7, तो 7 की टेबल आपके सामने है, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70। ठीक है, तो ये आपकी टेबल प्रिंट। अब आप कहोगे कि बचपन में जैसे हम लिखते थे 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, अगर इस फॉर्मेट में प्रिंट कराओ तो मजा ही आ जाए। ठीक है, आप कहोगे कि इस फॉर्मेट में प्रिंट करके बताओ तब तो जाने, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मेट को बनाने के लिए अब आपको क्या करना है, जो 5 है वो तो n से मिलेगा, 1, 2, 3, 4 i से मिलेगा और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट हो जाएगा जो इक्वल्स टू के बाद आएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, प्रिंट एफ को मॉडिफाई करना। तो यहां देखो मैं इस तरीके से लिख देता हूं, हमें 3 वैल्यूज शो करानी है तो हमने 3 बार परसेंट डी लिखा। तो अब इस प्रिंट एफ को ध्यान से देखो, जो पहला परसेंट डी है वो n से रिप्लेस होगा, फिर ये इनटू वाला साइन एज इट इज प्रिंट होगा, फिर दूसरा परसेंट डी आई से रिप्लेस होगा, फिर इक्वल्स टू प्रिंट हो जाएगा, फिर परसेंट डी रिप्लेस होगा एन इंटू आई से। तो इस तरीके से आपकी टेबल ये फॉर्मेट आपके सामने प्रिंट करेगी। तो ये प्रिंट एफ का और अच्छा यूज है। तो आप प्रिंट एफ को अपने अकॉर्डिंग कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आपको मैं इनपुट कर रहा हूँ 5, ये आपकी 5 की टेबल जो बचपन में हम फॉर्मेट लिखते थे उसमें। ठीक है, तो मजा आया, फॉर लूप ऑटोमेटिकली नंबर लेता है और जो भी कैलकुलेशन आप करेंगे उसको एक से ज्यादा बार ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देता है। तो अगर फॉर लूप नहीं होता तो ये कैलकुलेशन हम 10 बार कर रहे होते, फिर प्रिंट एफ लिखते 10 बार, बट वो काम हमने एक बार करके उसको 10 बार रिपीट करवा दिया। तो ये पावर है लूप का। तो आई होप कि अब आपको चीजें समझ में आ रही हो कि हमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को रिपीट कराना है तो कैसे कर सकते हैं। अब अगला एग्जाम्पल है, हमें प्रिंट करना है 1, 4, 9, 16, 25। तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसके लिए भी अपन n की वैल्यू इनपुट करा देते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो हमें प्रिंट क्या करना है, 1, 4, 9, 16, 25। तो n के अंदर वैल्यू आएगी, यहाँ पर n को पुट किया और प्रिंट एफ को अगेन यूज करेंगे, तो परसेंट डी
और यहां पर लिख दीजिए आई इंटू आई, क्योंकि नेचुरल नंबर आई में आ रहा है, वन पहले वन आएगा, वन इंटू वन प्रिंट होगा, फिर आई प्लस प्लस होगा, टू इंटू टू प्रिंट हो जाएगा, फिर आई प्लस प्लस होगा, थ्री इंटू थ्री प्रिंट होगा। तो अगेन आप देख सकते हो प्रिंट एफ को लूप रिपीट कर रहा है और आई खुद से मल्टीप्लाई होकर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अभी बैक स्लैश एन यूज कर रहा हूं तो ये डिजिट्स अलग अलग लाइन में प्रिंट होंगे, हम इनको एक ही लाइन में भी प्रिंट करके देखेंगे। तो मैंने डाला सिक्स, देखो 1, 4, 9, 16, 25, 36। ठीक है, अब आप कहोगे कि एक ही लाइन में प्रिंट करा दो, तो परसेंट डी के बाद लगाओ कॉमा, तब ये एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगे क्योंकि स्लैश एन हटा दिया। तो पहले डिजिट प्रिंट होगा परसेंट डी के थ्रू और फिर कॉमा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो अब मैं डाल रहा हूँ वापस सिक्स, तो एक ही लाइन में 1, 4, 9, 16, 25, 36 प्रिंट होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये लास्ट का कॉमा भी हटा के दिखा दो कि 36 तक ही प्रिंट हो, लास्ट का कॉमा आए ना। तो उसके लिए क्या करोगे, फॉर लूप जब खत्म हो जाएगा तो प्रिंट एफ डबल कोट्स और आप लिखोगे बैक स्लैश बी और एक स्पेस छोड़ दो। तो बैक स्लैश बी क्या करता है, बैक स्पेस का काम करेगा, कर्सर को एक लोकेशन पीछे लेके जाएगा और उसके बाद जो मैंने स्पेस दिया है वो प्रिंट हो जाएगा। बट ये काम लूप के बाद करना है क्योंकि इसको रिपीट नहीं करवाना, एक ही बार करना है। तो अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि जो चीज रिपीट होगी वो लूप के अंदर जाएगी, जो रिपीट नहीं होगी वो लूप के बाहर लिखनी है। तो देख सकते हो 36 के बाद का कॉमा हमने हटा दिया। तो ये एक और एस्केप सीक्वेंस होता है बैक स्लैश बी, जो कि बैक स्पेस का काम करता है और इसको मैंने लूप के बाहर लिखा है। तो अब ध्यान रखिएगा, जब आप लूप पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, लूप का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो जो स्टेटमेंट रिपीट होंगे वही लूप के साथ लिखो, जो रिपीट नहीं करवाने हैं वो लूप के बाहर लिखो। तो आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं तो भी कर्ली ब्रेस को यूज करने की आदत डालो ताकि आपको पता चले कि कौन सा स्टेटमेंट तो रिपीट होगा और कौन सा नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से आपको फॉर लूप का जो बेसिक है वो समझ में आ गया होगा। फॉर लूप को और अच्छे से समझने के लिए अब आपको मेरा अगला लेक्चर देखना होगा। ये मेरी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको लेनी है या कोई भी डाउट डिस्कस करना है, तब आपके मन में बहुत सारे डाउट्स भी हो सकता है कि इकट्ठे हो गए हों। और ऑनलाइन पढ़ाई का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि हम वीडियो तो देख लेते हैं बट हमारे जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं वो कोई दूर ही नहीं करता है। तो उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ, बिना हेजिटेशन के मुझे मेल या व्हाट्सएप करो और जो भी डिस्कशन करना है, छोटे से छोटा कोई डाउट है वो डिस्कस करना है तो आप मुझसे कर सकते हैं। और अपने अगले लेक्चर में हम ये और लूप पे डिपेंडेंट प्रोग्राम्स उनको डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत मतलब जो अभी बेसिक पढ़ा था उससे एडवांस प्रोग्राम्स हैं। तो अगला लेक्चर जब आप देखोगे तो आपको लूप में और एक्सपर्टाइज मिल जाएगी जो कि फॉर लूप से रिलेटेड है। तो आई होप कि आप ये जो सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज हिंदी में प्रिपेयर की है मैंने वो एंजॉय कर रहे होंगे, आपको सारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करो, कमेंट करो। सो आई होप कि ये आपकी एजुकेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो सीरीज और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करें ताकि मुझे भी पॉपुलरिटी मिले और आपको अच्छी एजुकेशन मिल पाए और आपके फ्रेंड्स भी उसको यूज़ करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।